नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात पन्ना की करेंगे, जहां पर फॉरेस्ट टीम पर माफियाओं ने हमला किया है। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से भीड़घाट पर हमला किया। माफियाओं ने की थी वन संपदा और खनिज संपदा की लूट। कार्रवाई के डर से 12 लोगों ने हमला किया है। भीड़घाट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर वन मंडल विश्रामगंज के पाठा बीट का यह मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हमला हुआ है, आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पन्ना जिला है वो वन संपदा से आच्छादित है और चारों तरफ वन संपदा यहाँ पर छाई हुई है और वन संपदा को लूटने के लिए वन माफिया हमेशा सक्रिय रहते हैं। जैसा कि आज ताजा मामला सामने आया है कि आप विश्रामगंज रेंज के पाठा बीट में यह जो लोग वन संपदा को चुराने के लिए सागौन की कटाई करने के लिए जंगल में जा रहे थे, तभी वहां पर वन अमले ने मौके पर इन लोगों को पकड़ा और पकड़ने के बाद जैसे ही उन पर कार्रवाई की बात की, तभी भीड़घाट अर्पित चौरसिया है जिस पर अन्य लोगों के साथ में मिल करके उनके पर हमला कर दिया और अर्पित चौरसिया घायल हो गए हैं और घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में, हालांकि उनकी हालत कंट्रोल में है, कोई नाजुक नहीं है, फिलहाल इलाज जारी है और कार्रवाई की बात की जा रही है निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी को साझा करने के लिए।